अस्सलाम वालेकुम वीवर, तुसां वेखदे पए हो अपना चैनल ब्यूटीफुल व्लॉग। ते मैं उम्मीद करी सो तुसां खैर खरीयत नाल होसो, ठीक होसो और खुश होसो और अल्लाह ताला तुहानू खुश रखे। इस वक्त मैं मौजूद हाँ ये आबिद साहब, मतलब आबिद जोईया साहब, ये इन्हां दा जनाब बाग है, माल्टे का बड़ा वसी बाग है और इस ते इन्होंने बड़ी मेहनत की है। तो इन्हां दे मैं व्यूज़ भी लैसा और बाग जिहड़ा इसका विजिट भी करसा और तुहानू दिखसा कि किस तरह इत्थे माशाला बड़ा अच्छा जानदार और अच्छी वैरायटी का जरा माल्टा है, यानी किनू है वो दस्तयाब है। तो जी अस्सलाम वालेकुम भाई जान, खैरियत है? ठीक हो? बिल्कुल फिट हो? जी अल्लाह का करम। अच्छा बाग जरा है थोड़ा है, ये सिर्फ किनू है जो और भी वैरायटी दे मतलब माल्टे वगैरह नहीं? सारी मिक्स है भाई, मौसमी हो गया, शकरी हो गया, अच्छा काला प्लाट बन स्लेट, अच्छा सारा ग्रेप फ्रूट हो गया। अच्छा ये सेल कर रहे हो स्टेप बाय स्टेप या? जी स्टेप बाय स्टेप। अच्छा तकरीबन कितने सेल कर लिया? तकरीबन 50-60 लाख का सेल करके दे रहे। अच्छा यानी मजीद कोई 60-70% रहा है कि? जी तकरीबन 70% रहा है। अच्छा ये माल्टा थोड़ा कड़ी जगह लोग लेके जाते हैं, मतलब इतने सेल कर देता भाई? तू मंडिया तो पिशावर वेंदे, फैसलाबाद वेंदे, सरगोधा, पिंडी, अच्छा। मकामिया मंडिया ची वेंदे, मकामी मंडी जी जी पिपला मिया दी जी। ते पिछले सारे दिन से थोड़ा रेट का क्या फर्क है? रेट माशाल्लाह अच्छे हैं जी, यानी पिछले जिस तरह महंगाई बड़ी है रेट भी ज्यादा है? जी रेट भी ज्यादा है तकरीबन, यानी दर्जन दा थोड़ा किस हिसाब से लेंदे हो? असा पल्लियां दे हिसाब से भाई, जाली पैकिंग करके, जाली दी पल्ली होंदी है। अच्छा उस कितने एक माल्टे होंदे ने तकरीबन? सुथरा माल जेड़ा तो 60 दाना होंदे, 48 होंदे। अच्छा ओदे फिर तकरीबन एवरेज औसत रेट की होंदा तकरीबन? औसत रेट तकरीबन 5-600 रुपए दे लगभग पल्ली बिकवेंदी। अच्छा ये हर माल्टे ते मुख्तलिफ होंदा है? किन्नू दा अलग? हर माल्टे किन्नू दा अलग? सब तो ज्यादा रेट किस दा जी? सब तो ज्यादा रेट सारे माल्टे का भी ज्यादा ही, लेकिन किन्नू का थोड़ा 150 ज्यादा होंगे जी। अच्छा जी ठीक है, तो मजीद तुसी जरा थोड़ा ना विजिट कर दें जी। जी जी आओ जी, बूटे वगैरह जी। हाँ तो वीवर तो समझ दे पे हो कि ये बाग तेरे माल्टे दिखा रहा। अच्छा ये माल्टा आबिद भाई केड़ा है? ये किन्नू है भाई। अच्छा ये किन्नू है? जी जी। हाँ वीवर देख रहे हो माशाल्लाह बड़ा जानदार और बड़ा सेहतमंद, और तुसी वेख रहे हो फल भी माशाल्लाह इससे काफ़ी ज्यादा नज़र आ रहे हैं जी। ये एवरेज यानी ये जो बूटे होते तकरीबन कितने जी फल दाने कितने होंगे ने? तकरीबन 2500-3000 तक ही बूटा अच्छी पैदावार। अच्छा 2500-3000? जी जी ठीक है। हाँ बिल्कुल ठीक है। ये उस तो अगे फिर ये कितने के बूटे लाए ने किन्नू दे? अच्छा किन्नू दी टोटल 70 एकड़ बाग है जी, मिक्स ही है सारा, किन्नू अच्छा। हो गया, फ्रूटर हो गया, मौसमी हो गया, शकरी, सारा मिक्स है। अच्छा जी मिक्स है? जी जी मिक्स है जी। ठीक है केड़ा माल्टा जी? ये मौसमी माल्टा है जी। हाँ व्यूअर्स दे वेदे पे ये मौसमी माल्टा है जी, और बड़ा खालिस और सही मतलब है कि तुसी वेख रहे हो मौसमी, और बड़ा वेट दे विच माशाल्लाह मौसमी जड़ा है जी बिल्कुल। अच्छा कितने एक साल दा बूटा है? तकरीबन 4 साल दा जी। अच्छा 4 साल दा बूटा है जी जी मौसमी, ठीक है जबरदस्त। तो वीवर देखते पे हो कि ये दूर दूर तक थानू यानी बाग नजर आ रहे जी। ये हुन शकरी दा फल है। ये शकरी है जी? हाँ वीवर से देखो कि ये शकरी माल्टा जड़ा है उदा फल थानू नजर आ रहे, और ये देखो तुम दूर दूर तक थानू ये बाग नजर आ रहे, और फलों के नाल माशाल्लाह लदे हुए माल्टे के नाल लदे हुए बाग नजर आ रहे थानू दूर दूर तक, जिसे ते थोड़ी नजर जा रही है। देखो ना ये कैमरा मैं अगे थानू व्यू दिखा रहा सारा इस बाग का, क्योंकि थोड़ी रोशनी है सूरज की इस वजह तो थोड़ा जहा ना टाइम भी इस तरह का है। अच्छा अगे ये आम का बूटा लग गया। अच्छा ये आम का बूटा जी? जी जी आम का जी। अच्छा व्यूअर दे वेदे पे हो ये माल्टे दे नाल आम, माल्टे दे नाल ही जी ये आम का बूटा खलोता है जी। अच्छा आम का होने फिर मौसम नहीं है। अच्छा अगे केड़ा है माल्टा है? ये काला ब्लड है जी। ये काला ब्लड है जी? ये देखो व्यूअर से ये काला ब्लड माल्टा है जी, ये जरा पहचान कर लो कि तुम माल्टे अगर खरीदन जाते हो किसी माल्टे वाले को ये वेख लेना, इंज ना हो कि थोड़ी इतनी पहचान होनी चाहिए। ये काला ब्लड है जी, जी तो थोड़ा मैं मौसमी भी विखाया है, और काले ब्लड तो माशाल्लाह बड़ा बूटा है, तो ये फल भी जड़ा ना बहुत ही जबरदस्त और बेहतरा जनी फल नज़र आ रहे, फल ही फल इस नज़र आ रहे व्यूअर्स वेखते पे हो, ये सारा फल दे नाल लदे होया। अच्छा ये लग रहा है कि उन्होंने नाल नज़र इस फल ज़्यादा है जी?
काले ब्लड ते फल ज्यादा। अच्छा वैसे फल हुंदा ज्यादा इस बूटे ते ज्यादा है? अच्छा ठीक है। एक इस एक बूटा केड़ा जी? अच्छा एक किन्नू दा वीवर तुसी वेखदे पए हो कि एक किन्नू दा फल भी तुसी वेख लो। ये बूटा भी जी फल दे नाल जिहड़े नी लदे होया तुहानू नजर आ रहा जी। अच्छा अगे तुसी वेखो जी होर माशाल्लाह खूबसूरत मंदर है। ये सरसों जिहनू पंजाबी सरयां भी कहिंदे ने कुछ इलाकियां विच, उसनू सरसों भी कहिंदे ने। ये सरसों दी ये नवां बाग लाया जी? अच्छा पहले वाला। ते फल जिहड़ा इहदा सेल कर दिता जा? अच्छा इहदा फल जी सेल हो चुका इस बाग दा, तुसी वेख रहे हो। ये वीवर तुसी वेख रहे हो सरसों दा मंजर, बहुत ही प्यारा मंजर है सरसों दा दूर दूर तक। ये माल्टा केड़ा है? ये खट्टी है। अच्छा हाँ ये वेखो वीवर्स के इसनू खट्टी कहंदे ने। अच्छा ये खट्टी है? अच्छा जी इसते माल्टा पैवान दोले खट्टी दे जी। अच्छा ये किस तरह पैवान दोले इधर थोड़ा जा दस देना मालूमात वास्ते। ये भाई बट ला के ना माल्टे दा बट। अच्छा ये वेखो वीवर्स खट्टी है, ये थो नज़र आ रही है खट्टी है। और ये भाई कह रहे हैं कि इसते माल्टा पैवान होंगे, माल्टन किस तरह करते हैं भाई? माल्टे का बड यानी अख खा दें उसको। अच्छा वो अख ला के इस उत्ते ला दी। अच्छा जी जी उस बाद उसकी जी बढ़ोत थी दी है तो वो शाख काट के दी। अच्छा खट्टी वाली ये खट्टी की क्या मांग है इधर की है? खट्टी की भाई मांग दी कि सिर्फ नर्सरी वाले इस्तेमाल करेंगे इसमें, नर्सरी लावण वास्ते इस्तेमाल। किन्नी खट्टियां ने? खट्टियां नहीं है बस चंद बूटे जी। चंद बूटे ने खट्टी दे? ठीक है ठीक है। सामने भी कुछ बूटे नजर आ रहे हैं मौसमी, तभी और देख रहे हो ये सरसों के फुल नजर आ रहे हैं जी। बड़ा प्यारा मंदिर है और नाल ही ये मौसमी का बूटा नजर आ रहे हैं। और अगे ये भाई माशाल्लाह बड़ा वसी बाग है, ये तो मैं थोड़ा एक मतलब व्यू थोन जस दे रहा। एक गंदम दी फसल नज़र आ रही है जी और ये भी बाग है जी। अच्छा इस दे मेरे ख्याल फल तुसी सेल कर चुके हो? हाँ ये फल भी सेल हो चुका और चंद बूटे जड़े ने वो बकाया ने वीवर्स। और अगे ये केड़ा बूटा जी? ये किन्नू दा बूटा है जी। किन्नू दा बूटा है जी। किन्नू दा बूटा जी तो नज़र आ रहा है, किन्नू माल्टा जड़ा है उसका थोन बूटा नज़र आ रहा है, फल नज़र आ रहा है। और अगे भी मजीद जी बाग तुसी वेख रहे हो। अच्छा अगे भी किन्नू है? हाँ जी मिक्स है। अच्छा जी वीवर हाँ ये वेखो जी किन्नू माल्टे का बूटा है और फल दे नाल माशाल्लाह लदे हुए फल ही फल तुसी वेख रहे हो। ये थोड़ा मैं जरा वी विखा रहा वीवर्स नू हाँ टहनिया जी बिल्कुल लड़े करी थले लदे हुए इस तरह फल दी नाल टहनिया त्रुट रही ने। ये वेखो जी वीवर्स अगे भी ये बाग है उसकी मजीद थोड़ा विजिट जरा कराने और व्यू दिखाने का। हाँ वीवर देख रहे हो ये सामने माल्टा थोड़ा नज़र आ रहा है काला ब्लड, ये काला ब्लड है। और उस अगे मजीद एक माल्टे की नई किस्म है भाई दस रहे ने जो मजीद हम तारुफ भी करवाएंगे।
बाग दे अंदर वेलन सैलेट आ दें जी। वेलन सैलेट माल्टा व्यूअर्स ये वेख लो जूस विच इस्तेमाल होंदा है, ये जूस दे विच इस्तेमाल होंदा है, ये माल्टा जिहड़ा है वेलन सैलेट ये मैं तुहानू दा सही वी विखाणा है। वेखो जी व्यूअर्स ये वेखो वेलन सैलेट, ये वेलन सैलेट जिहड़ा है ये जूस जिहड़ा है जूस ओहदे विच इहदा इस्तेमाल होंदा है। अगे भी वेलन सैलेट जी जी ये वेलन सैलेट जी माल्टे की किस्म है और ये जूस दे विच इस्तेमाल होंदा जी। ये जरा हुण थोड़ा जिहा व्यू इसका सही व्यूअर्स वेख लो। अच्छा वेलन सैलेट वेलन सैलेट माल्टा अम्ब हाँ ये अम्ब का बूटा जी आम का पौधा है। अच्छा अगे भी ये सारा वेलन सैलेट है जी हाँ ये वेलन सैलेट और अगे उसते फल बहुत ज्यादा परे है। अच्छा किनू है इसते फल रहा कदरे बाकी नालू थोड़ा होंगे थोड़ा फल होंगे जी वेलन सैलेट से बाकी नस्बत लेकिन इसकी कीमत ज्यादा होनी है ज्यादा नहीं कितनी होंगी दूसरी नस्बत कीमत इसकी वेलन सैलेट की तकरीबन 1000 रुपये अस्सी दाना बिक रहे 1000 रुपये का अस्सी दाना अस्सी दाना तुम वेखो व्यूअर्स के 1000 रुपये अस्सी दाना वेलन सैलेट माल्टा जोड़ा है ये थोड़ा नज़र आ रहा है इसकी प्राइस इतनी ज्यादा है हाँ गो कि इसकी मकदार कम है लेकिन इसकी प्राइस ज्यादा है। अच्छा ये अगे भी वेलन सैलेट के सारे नज़र आ रहे हैं जी हाँ ये बाग सारा वेलन सैलेट नज़र आ रहा है व्यूअर्स तो हाँ व्यूअर्स ये वेखते पे ये वेलन सैलेट माल्टा है तो ये वेखो जी वेलन सैलेट माल्टा है और इसकी कीमत यानी 80 दाना 1000 रुपये का है और ये जूसेस वगैरह इस्तेमाल होते हैं इसका फल गो के किन्नू और बाकी माल्टे की नस्बत कम नज़र आ रहे हैं लेकिन ये भाई कह रहे हैं कि ये इसका रेट ज़्यादा है इसकी कीमत ज़्यादा है ये कितने तकरीबन जी तुम ये लाए हुए हैं तकरीबन 10 एकड़ इन भाई 10 एकड़ और ठीक है आउटपुट। अच्छा ये खुराक वगैरह जी दूसरे ज्यादा देनी पड़ती है जी सेम नहीं वही सेम है जी भाई बराबर जी जी सेम खुराक। अच्छा जी ये नर्सरी भी थोड़ी महंगी होती होनी है नहीं नर्सरी सेम ही है तकरीबन सेम है 20 रुपये का फर्क होता है 10-20 का ठीक जी व्यूअर्स ये वेखदे पे हो वेलन अपना काला ब्लड माल्टा है ये मेरे हाथ दे विच भी है और ये 80 दाना 2000 रुपये का वेलन सैलेट सी जिहड़ा 80 दाना सी वो 1000 रुपये का सी इहदी तुसीं मार के देखो ये बिल्कुल तो नज़र आ रहा कैमरे च ये ब्लड की तरह है देखो इसका काला ब्लड है ब्लड की तरह ही ये नज़र आ रहा सारा सिस्टम जूस वगैरह अंदर जो निकल रहा तो ये माल्टा जिहड़ा है ये रेड ब्लड है रेड ब्लड माल्टा है तो तुसीं वेख लो पहचान कर लो व्यूअर्स ये माशाल्लाह इस काफ़ी ज़्यादा माल्टा जिसका नज़र आ रहा है इस बड़े बड़े साइज के माल्टे नज़र आ रहे हैं जी और एक्सपोर्टेड माल्टा यानी बाहर इसकी ज़्यादा मांग है मंडियों को कम होते लेकिन बाहर ज़्यादा जाता है। हाँ तो व्यूअर तुसा वेख्या कि आबिद जोईया साहब जो उन्होंने बाग विजिट करवाया इन्होंने मालूमात दी ढेर सारी सानू और माल्टे ने मुख्तलिफ किस्म जो इस वीडियो में मालूम की तो मैं भाई का बड़ा शुक्रगुजार हाँ अल्लाह ताला तुहाडे इस कारोबार च होर तरक्की अता फरमाए और तुसा भी दुआ करना व्यूअर्स कमेंट दे विच कि अल्लाह ताला होर तरक्की अता फरमाए और बाकी जिहड़े लोग इस तरह बागबानी कर रहे हैं जां उन्होंने भी इस चीज़ की तौफीक देवे कि वह भी ये बागबानी जिहड़ी अच्छी तरह केयर भी कर सकन और उन्हां दा कारोबार भी उसे अख्तियार कर सके। तो मैं उम्मीद करीना कि तुहानू ये मेरी वीडियो जिहड़ी पसंद आई उसी इसे दे नाल इजाजत चाहना अल्लाह हाफिज़।